अस्सलाम वालेकुम जनाब, 10 हमारा ख़त्म होता है, आइए 9 को स्टार्ट करते हैं। 9 इज बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब अगेन ये एज कम्पेयर टू 10 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इसके अंदर वो आपको पूरी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है कि उस इदारे में बिजनेस जो ऑपरेशंस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, डिपार्टमेंट्स कौन से हैं और कैसे कैसे वहाँ पर प्रोडक्टिविटी होती है। सबसे पहले हम लोगों ने स्टडी करना है द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। किताब कहती है कि सर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एम्स फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। हर इदारे का जो मेन एम है, जो मेन फोकस है, जो मेन काम है, वो यही है कि उसकी गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर उसको क्वालिटी मिले, क्वालिटी बनाए, क्वालिटी दे, ताकि लोगों तक उसकी वैल्यू सही से पहुंच पाए। कंपनियां प्रायोरिटाइज करती हैं उन तमाम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। क्यों? टेक्नोलॉजी, कंपटीशन एंड कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस के साथ अब वो वहाँ पर चीज़ें फ्लो करती हैं। ये इंटीग्रेट करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमेशा इंटीग्रेशन में चलेगा विद सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, प्रोक्योरमेंट और ह्यूमन रिसोर्स। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने अगेन क्वालिटी देनी है, वी हैव टू प्रोवाइड क्वालिटी and not just quality with some differentiation that can be on time, that can be on improved quality, that can be on new products, new services, new values. जिसके लिए हमारे पास होते हैं कुछ factors of production, material है, labor है, money है, तो इनको हमने इस्तेमाल करना है, इन resources को हमने convert करना है और with that हमने competition को आगे फैलाना है। We have to drive the competition through innovation, ऑटोमेशन, क्वालिटी कंट्रोल एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली आप डेवलप कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं और डिटरमिन कर रहे हैं इफेक्टिव प्रोडक्शन प्रोसेसेस। इन सब के लिए वी शुड हैव अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशन मैनेजर जिसका काम ये हो कि वो अपनी टीम को प्रॉपर वे में गाइड करे, उनको बताए कि ये इदारा क्या चीज़ बनाता है और इसकी प्रोडक्शन कैसे कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं विद सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। तो मेन काम क्या होगा? ही हैज टू ट्रांसफर या ही हैज टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू अ वैल्यूएबल आउटपुट। मैन्युफैक्चरर शेयर्स द फंडामेंटल गोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल पकड़ा, प्रोसेस किया और फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली यही काम होता है, किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का यही काम है ना कि उसने इनपुट पकड़ा इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल और उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू फिनिश गुड्स। मॉडर्न बिजनेस के अंदर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। क्या? क्वालिटी पे फोकस करना, मटीरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट को गिरा देना, मिनिमाइज कर देना और एलिमिनेट करना हर वो कॉस्ट जो कि आपकी वैल्यू में कोई एडिशन नहीं कर रही है। अगर आप वो कॉस्ट माइनस कर देंगे, तमाम तर एडिशनल कॉस्ट अगर आप माइनस कर रहे हैं जो कि किसी भी तरह से कोई वैल्यू नहीं दे रही है इनटू योर फिनिश प्रोडक्ट, इट मींस कि अब आपका इदारा उस स्टेज ऑफ कॉस्ट पे आ चुका है जहाँ पे वो कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए भारी नहीं है उसकी जेब पर। क्यों? कॉस्ट कटिंग हो गई है। जब कॉस्ट कटिंग हो गई है और सिर्फ वही कॉस्ट लगाई जा रही है जिससे वैल्यू मिल रही है, इट मींस ही विल गेटिंग हाई वैल्यू प्रोडक्ट एट अ लो कॉस्ट। सबसे पहले क्या करना है इस मैनेजर ने? प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल एस्पेक्ट है। बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट्स, प्लानिंग फॉर सोर्सिंग मटीरियल एंड इनपुट्स इज नेसेसरी फॉर अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। भाई एक प्रोडक्ट बनता है 100 रुपए का, ये फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट है। अब उस कॉस्ट के पीछे रॉ मटेरियल होगी, लेबर होगी, ओवरहेड्स होंगे, तो इसने प्रोक्योरमेंट के अंदर, परचेजिंग के अंदर देखना है कि कौन सा रॉ मटेरियल वो बाय कर रहा है, सस्ता बाय कर रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, कितना वो आउटपुट जनरेट कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें इसने सोचनी है। देन प्रोडक्शन प्लानिंग, गुड्स प्रोड्यूस कैसे होंगे, कौन से प्रोड्यूस होंगे और क्या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का लेआउट अवेलेबल होगा, कितनी मशीनरियाँ काम करेंगी, क्या प्रोडक्शन है, क्या साइट है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, लेआउट क्या है, प्लानिंग कैसे है, कौन सा लेबर है, बनाना क्या है, किस मशीन पे बनाना है, कितना बनाना है, कब बनाना है, टाइम क्या है, सुबह का है, शाम का, मार्केट में डिमांड कहाँ है, क्या हमारे पास उतनी सप्लाई भी है या नहीं है, तो सारी चीज़ें कौन सोचेगा? एक ऑपरेशन मैनेजर। देन
प्रोडक्शन कंट्रोल, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं करना कि बस बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं, आपको एक टाइम पे आके ब्रेक लगानी पड़ती है। मैनेजर्स से फीडबैक लेना पड़ता है कि भाई मार्केट के अंदर क्या अभी इतनी डिमांड है अभी। ऐसा तो नहीं कि हम लोग बना बना के सिर्फ सेव ही कर रहे हैं, हमारा खर्चा बढ़ रहा है और मार्केट में ना उसकी डिमांड है और ना कोई हमारे पास ख़रीदने वाला आ रहा है। तो इस लिहाज से क्या होगा, आपको फिर वो इन्वेंट्री सस्ते दाम मार्केट में डिस्पोज करनी पड़ेगी, फेंकनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, गैंट चार्ट होता है, CPM मेथड होता है, PERT मेथड होता है। सिर्फ इनके नाम दिए गए हैं, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन एज सच आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। देन क्वालिटी कंट्रोल, एक ऑपरेशनल मैनेजर ने ये भी काम करना है कि उसने क्वालिटी के ऊपर बहुत तसल्ली से काम करना है। इट हैज़ टू एंश्योर गुड स्पेसिफिक क्राइटेरिया, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखना है। और अगर उसको लग रहा है कि नहीं उसके ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, कंपनी वाइड फैल रहे हैं, तो उसको फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स जिसमें ISO 9000 और ISO 14000 एंड सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड्स ये लगाने पड़ते हैं ताकि वो क्वालिटी इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर क्वालिटी को सही से मीट कर सके। कंटिन्यूस डेवलपमेंट करनी है, कंपेटिटिव रहना है, लोगों को देखना है कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स के अंदर क्या शॉर्टफॉल है और हम उस शॉर्टफॉल को कैसे अपने एडवांटेज के लिए, कैसे अपने कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है, ये वाइटल है। स्ट्रेटेजिक गोल्स, हाई एंड सर्विसेज, कॉस्ट, प्रॉफिट की मेंटेनिंग, ये सारी चीज़ें हमें प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर डालनी पड़ती हैं। देन की डिसीजन पॉइंट्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग, नंबर वन फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है, या हम शॉर्ट टर्म कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म क्या होता है, 3 से 5 साल, मीडियम क्या होता है, 1 से 3 साल, और शॉर्ट टर्म क्या होता है, लेस देन अ ईयर। तो देखना है कि आपकी जो प्लानिंग है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए, या मीडियम टर्म के लिए है। देन मैस प्रोडक्शन, क्या हम लोग मैस की तरफ जा रहे हैं, क्या हम लोग एक ही दफा बहुत सारी प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, या हम लोग वेट कर रहे हैं कि कस्टमर की डिमांड के मुताबिक उसको बना के देंगे। भाई मैस प्रोडक्शन क्या होता है, बोटल्स, न्यूज़पेपर्स, ब्रेड्स, पता है ये बिकनी बिकनी है और अवेलेबिलिटी होगी तो कस्टमर आके बाय कर लेगा, वो अपने तरफ से इसमें कस्टमाइजेशन ऐड नहीं करवाएगा। दिस इज़ मैस प्रोडक्शन, जहाँ पे आपने आइडेंटिकल चीज़ें बना के रख दी हैं, अवेलेबल कर दी हैं, अब कस्टमर आएगा और उसकी ये डिमांड नहीं होगी कि मुझे इस कलर की बोतल चाहिए, मुझे इस कलर की सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, इस तरह की ब्रेड चाहिए, इसमें ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। मैस प्रोडक्शन वंस यू हैव डन, तो इससे क्या होती है, कॉस्ट कटिंग होती है। आप बंडल्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होती है, हर दफ़ा हर दिन आपको सेम प्रोडक्ट मार्केट में देखने को मिल जाता है। अगर आप जा रहे हैं टुवर्ड्स कस्टमाइजेशन, तो यहाँ पे फिर आपको कस्टमर की ख्वाहिश का एहतराम करना पड़ेगा। यहाँ पे कस्टमर जो चीज़ बताएगा उसके बताते हुए आपने उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए उसी तरह का प्रोडक्ट बना के उसको देना है, कस्टमाइज करके उसको देना है। इंडिविजुअल कस्टमर के डिज़ायर के मुताबिक, उसकी वांट के मुताबिक आपको वो प्रोडक्ट देना है। जैसे आप अपने पसंद से एक सिस्टम बनवा सकते हैं कि मुझे इतनी रैम चाहिए, इतनी रोम चाहिए, ये हार्ड ड्राइव होनी चाहिए, ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इस तरह का खांचा होना चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, तो आप सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम्स अपने पसंद से बनवा सकते हैं इन कस्टमाइजेशन। अब कस्टमाइजेशन गोज ऑल द वे, ईच प्रोडक्ट इज मेड यूनिकली टू फिट दैट स्पेसिफिक कस्टमर, उस स्पेसिफिक कस्टमर के लिए ही वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ बनाया जा रहा है। इसको हम कहते हैं जॉब शॉप, यानी कि कस्टमर आया, उसने आगे बताया कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, उसी प्रोडक्ट के अंदर एक और कस्टमर आता है और उसकी जो फंक्शनिंग है वो और है, तो ये जॉब शॉपिंग है। यानी कि हर कस्टमर आपको जॉब पे लगा रहा है कि भाई उसने ये चीज़ शॉप करनी है, मुझे बना के दो। टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक है प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग और एक है असेंबली मैन्युफैक्चरिंग। बेसिक इनपुट्स आर टर्न इनटू वन और मोर आउटपुट लाइक वीट इनटू फ्लोर, ये है प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। और असेंबली क्या है, जहाँ पे आप चीज़ों को जोड़ते हैं, इनपुट्स को कंबाइन किया जाता है और एंड के ऊपर एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार की जाती है, लाइक एयरप्लेन, लाइक ये डाइवो बसेस, इनको असेंबल किया जाता है फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स, इसे कहते हैं असेंबली मैन्युफैक्चरिंग। और कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, अगर सिंपल ये हो रहा है तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। अब टाइमिंग्स के ऊपर बात करते हैं, क्या ये कॉन्टिन्यूस करनी चाहिए या इंटरमिनेंट करें, या बस लगातार मशीनरी को चलने दें या रोकें, टाइमली डेवलप करें।
अब हर एक के अपने अपने ड्यूरेशन है और ये बेस्ट फॉर है। नंबर वन, अगर हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो ये फुल डे चलेगा, 24 घंटों में से 18 घंटे मशीनरी काम कर रही है, मेरा प्लांट चल रहा है, प्रोडक्शन होती चली जा रही है, वीक्स, डेज, इवन मंथ्स विदाउट स्टॉपिंग वो चल रहा है। ये किसके लिए सूटेबल है? वो प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में बिकने ही बिकने, लाइक पेपर हो गया, ग्लास हो गया, नेसेसिटीज हो गई, ब्रेड, ये सारी चीज़ें। क्यों? इनकी डिमांड मार्केट में बहुत हाई है, इनका वॉल्यूम बहुत हाई है, लोगों ने बाय करनी ही करनी है। मगर व्हाट इज इंटरमिटेंट, ये है शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन रन्स, जहाँ ज़रूरत पड़ी उतना बना लिया, फिर बंद कर दिया, फिर दोबारा बना लिया, फिर बंद कर दिया। ये डिफरेंट टाइम्स पे चलते हैं, जिससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। प्रोडक्ट्स देयर कम में लो वॉल्यूम बढ़ाया हुआ, हाई वैरायटी। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कस्टमाइजेशन, दैट कैन बी मैस कस्टमाइजेशन और स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन। जॉब शॉप्स भी यहीं पर तो होती हैं। लोकेशन, ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपने एक अच्छी लोकेशन ढूंढनी है फॉर योर प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसेस। एक अच्छी फैक्ट्री लगाने के लिए आपको सबसे जो अहम महत्वपूर्ण डिसीजन करना पड़ता है, दैट इज़ कि आपने वो फैक्ट्री लगानी कहाँ पे, क्योंकि इससे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जुड़ी है, आपकी शिपिंग कॉस्ट जुड़ी है, जो कि कम ज़्यादा हो सकती है फाइनल प्रोडक्ट के साथ, सर्विसेज के साथ। फैक्ट्री बहुत दूर है, खर्चा ज़्यादा आ रहा है, जहाँ फैक्ट्री लगाई है वहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, लेबर नहीं है, मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। तो मुझे फैक्ट्री ऐसी जगह पर लगानी चाहिए जहाँ पर लेबर भी हो, जहाँ पर रेंट भी कम हो, जहाँ पर सर्विसेज भी मुझे मिल जाएँ, रिसोर्सेज भी हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम से कम हो। इससे क्या होगा, आई विल बी अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो मिस्टेक्स एट दिस स्टेज कैन बी कॉस्टली, हमें यहाँ पे क्लोज रहना पड़ता है टूवर्ड्स द कस्टमर, ताकि हम लोग उसको फायदा पहुंचा सकें। लेआउट्स इन द प्लानिंग, अब चले फैक्ट्री तो लगा ली, उस फैक्ट्री के अंदर अब आपका कैसा लेआउट रखना है, कैसे आप उसके अंदर एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं, एक बेस्ट डिज़ाइन बनेगा तो कैसे बनेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम उसको एफिशिएंट रखते हैं, उसको इफेक्टिव रखते हैं, और उसके लिए हम लोग एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। यू शेप में क्या होता है कि अगर हम उसको लंबाई में रखें ना, लॉन्ग लाइन में रखें, तो टाइम टेकिंग होता है। यू शेप में ज़रा क्विक आप ये सारे काम कर लेते हैं, फास्टर मूवमेंट्स होती है यू शेप के अंदर। प्रोसेस लेआउट, इट इज़ ऑर्गेनाइज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वर्कर्स विद सिमिलर टास्क, इनको जोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई काम करो। असेंबली लाइन में क्या होता है, रेपिटेटिव काम हो रहा होता है, उन्हें तो बस जोड़ना पकड़ के। फिर फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, कीपिंग एवरीथिंग इन वन प्लेस, देन सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे आप सेल्फ कंटेंट, जहां पे आप फ्लेक्सिबल होते हैं, मगर फिक्स में आप फ्लेक्सिबली काम नहीं कर रहे होते। रिसोर्स प्लानिंग, कितने एम्प्लॉयज चाहिए, लेबर कितनी चाहिए, कैसी चाहिए, स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, कहाँ कहाँ पे आपने वो लेबर डिप्लॉय करनी है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि आप से पीछे जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है वो बंदा कैसा है, क्या आपके साथ वो सिंक में है या नहीं है, क्या ऑर्डर्स खुद ही से जनरेट हो रहे हैं या मैनुअली किए जा रहे हैं, क्या फाइनेंस वाले आपको प्रॉपरली हेल्प कर रहे हैं इसके लिए या नहीं कर रहे हैं, क्या आपके पास स्टोरेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, वेयर हाउसेस अवेलेबल हैं टू स्टोर द रॉ मटेरियल और नॉट, क्या कस्टमर आपसे मुतमिन हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर इन सब को रन करने के लिए हमारे पास एक अच्छा इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी होना चाहिए। इसकी पूरी डिटेल हमने चैप्टर नंबर 5 में तसल्ली के साथ कवर की है। सर यहाँ पे भी 4 तरह के मैनेजमेंट की लाइंस लगी होती हैं, एक है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, एक है प्रोडक्शन मैनेजर, एक है लाइन सुपरवाइजर और एक है प्रोडक्शन वर्कर्स। वर्कर्स ने क्या करना है, दे आर क्रूशियल टू द मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी, इन्होंने काम करना है। ये वो लोग हैं जो कि मशीनों पर खड़े होंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेन काम करना है, वो चीज़ बना के देनी है। ये गर्मी में काम करेंगे, ये धूप में काम करेंगे, ये हार्ड कंडीशंस में काम करेंगे। फिर इनके ऊपर होते हैं सुपरवाइजर्स, जो कि इनसे काम करवाते हैं, ये कोशिश करते हैं कि वर्कर्स में और मैनेजर्स के दरमियान आएं और गैप कम से कम करें, जो एक कम्युनिकेशन का फ्लो है उसको बेहतर बनाएं। बहुत सारे मसले ये खुद ही रिजॉल्व कर लेते हैं, जो उनसे रिजॉल्व नहीं होते हैं वो आगे पहुंचाते हैं टूवर्ड्स द प्रोडक्शन मैनेजर। और ये बेसिकली नुमाइंदे होते हैं किसके, टॉप लेवल के,
और परफॉर्मेंस का इनसे पूछा जाता है। तो प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे आ गया लाइन मैनेजर, और लाइन जो सुपरवाइजर कह रहे हैं, लाइन मैनेजर कह रहे हैं, इसके नीचे टीम ऑफ वर्कर्स काम कर रही है। और टॉप लेवल में कौन आएगा, सीईओ, सीएमओ, सीएओ या प्रेसिडेंट, इनकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या वाकई में कंपनी अपने स्ट्रेटजीज को प्रॉपरली सही डायरेक्शन में लेके जा रही है, नहीं लेके जा रही है, क्या कंपनी का मिशन विजन अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इनपुट, फीडबैक, ये सारी चीज़ें इन्होंने देखनी है। देन वी हैव टू डिसाइड कि हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर कौन सा रखना है, डिवीजन ऑफ लेबर करनी है या नहीं करनी है, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है या नहीं करना, डेलीगेट करनी है अथॉरिटीज या नहीं करनी है। तो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे हम रिसोर्सेज को बड़ा एफिशिएंट वे में इस्तेमाल कर सकें, उनके दरमियान जो एक रिलेशनशिप है उसको ऐसे वे में करें ताकि सबको फ़ायदा हो, तमाम जो मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको बेनिफिट मिल जाए। डिवीजन ऑफ लेबर, व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर, के आप लेबर को डिवाइड कर दें, हर बंदे को एक स्मॉल सेगमेंट में डालें और उसको बोलें कि भाई तुमने यही काम करना और बार बार करना। जब आप ऐसा कर देंगे तो आप वर्कर्स के अंदर एक स्पेशलाइज स्किल डेवलप कर रहे होंगे, इफ यू रिमेंबर दैट तेज रफ्तार वाली कहानी। तो यहां पे जब आप एक ही कस्टमर से एक ही काम बार बार दफा करवा रहे हैं, रेपिटेटिव काम करवा रहे हैं, इट मीन्स के अब आप उसको उस काम में स्पेशलाइज कर रहे हैं, आप उसके लिए जॉब स्पेशलाइजेशन को डेवलप कर रहे हैं। जिस तरह गारमेंट्स, अब एक बंदा कटिंग कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, एक बंदा स्पिनिंग कर रहा है, एक बंदा डाइंग कर रहा है, एक बंदा आयरन कर रहा है, तो उसका वही काम है। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होंगी, कॉस्ट कम होगी, स्किल्स बढ़ेंगी, मगर लोग बोर हो जाएंगे, क्रिएटिविटी मर जाती है, थक जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं आती है और दूसरों पर डिपेंडेंस ज़्यादा आ रही होती है, वो दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन, आपने कितने डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, प्रोडक्शन के अंदर, प्रोसेसेस, कस्टमर्स, रीजन की बेस के ऊपर आपने कितने डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, और क्या फंक्शनल बनाना है या उसको प्रोडक्ट वाइज लेके चलना है। क्या आपने इस तरह करना है जैसा नेस्ले करती है कि ड्रिंक्स का एक डिपार्टमेंट है, बेवरेजेस का एक हो गया, इसके बाद फूड का एक और हो गया, या आपने पूरा एक कंसिडर करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टिपिकली एम्प्लॉय ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स विच आर रिजिड एंड इन्वॉल्व डिपार्टमेंटलाइजेशन, दिस कैन इंक्लूड फंक्शन, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, कस्टमर्स, रीजन्स। अब इसकी बेस के ऊपर आपने डिसाइड करना है कि किस तरीके से सेगमेंटेशन आप चाह रहे हैं। हर टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसका पार्ट बनती है और इसने फैसला करना है कि भाई उसको किस तरीके से अपना डिपार्टमेंट चलाना है ताकि वो उसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस हासिल कर सके। प्रोसेसेस को देख के चलना है, कस्टमर की बेस पर चलाना है, ज्योग्राफिकली उसको डिवाइड करना है, डेलीगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट प्रोसेस, तो फर्नीचर के अंदर कटिंग की डिपार्टमेंट टीम अलग होगी, लंबर की अलग होगी, पॉलिशिंग की अलग होगी, डाइंग की अलग होगी। अगर मैं कस्टमर वाइज चलूँ तो लार्ज स्केल कस्टमर्स अलग, शॉर्ट स्केल अलग कर दें, हाउस होल्ड अलग कर दें, इंडस्ट्रियल सार्फिन अलग कर दें, ज्योग्राफिकली चलता हूँ, कराची की मार्केट अलग कर दें, लाहौर की मार्केट को अलग कर दें। तो इस तरीके से आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। और एंड पे क्या आता है, डेलीगेशन, ये क्या है कि आप नीचे वाले लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं विद अथॉरिटी। प्रोडक्शन डिफाइन करते हैं, सर प्रोडक्शन क्या है, बेसिकली इट अंडरटेक्स द एक्टिविटीज जिससे आप कुछ ना कुछ बना के प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके पीछे क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, कंट्रोल होता है, मैनेजिंग क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा होता है, प्लांट इक्विपमेंट को मेंटेन किया जा रहा होता है, इन्वेंट्री को कंट्रोल किया जा रहा होता है। और आपने डिसाइड करना है बीइंग अ प्रोडक्शन मैनेजर कि आपने कौन से मेथड को इस्तेमाल करना है फॉर प्रोडक्शन, एंड इट आल्सो रिक्वायर्स अ हाई R&D कॉस्ट। इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाके पैसा मांगना आपको चाहिए। तो अगर मुझे अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेकर आनी है या मुझे एक ओवरऑल नया प्रोडक्ट ही बनाना है तो आई वुड बी गोइंग थ्रू दिस R&D कॉस्ट। परचेजिंग फंक्शन, मेरा रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या मार्केट में कोई और बंदा भी है जो कि सस्ता प्रोवाइड कर रहा है, ये देखना। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स, बना मैंने दिया है, क्या वो मार्केट में बिक भी रहा है या नहीं बिक रहा,
बनाना मेरा काम था, उसको बेचना काम किसका है? मार्केटिंग वालों का। तो क्या मार्केटिंग की टीम अपना काम सही से कर रही है या नहीं सही कर रही है? इसकी क्या सही से प्रॉपर ब्रांडिंग हो रही है, प्रॉपर सही से एडवर्टाइजिंग की जा रही है, कि पब्लिक रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं? ये सारी बातें आप डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, एथिक्स में पढ़ चुके हैं, फाइनेंस में पढ़ चुके हैं, आईटी में पढ़ चुके हैं, मार्केटिंग का सीरीज में पढ़ चुके हैं। तो 4, 5, 6, 7, 8 को जब मैं जोड़ता हूँ तो 9 बन जाता है एचआर। आपको पता है कि एचआर का रोल क्या होता है। अब मुझे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर मुझे वो चैप्टर पूरा तैयार है तो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब अगेन चैप्टर नंबर 4 अगर आपको आता है तो ये 4 लाइन तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा चलता है। एंड के ऊपर कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं जो कि रीड ओनली हैं। अब अगेन 9th चैप्टर एंड 10th चैप्टर, ये दोनों ही रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। अगर आप उसकी अच्छी से एक दफ़ा रीडिंग कर लेंगे तो यकीन मानिए ये आपको पेपर के दिन मुश्किल नहीं डालेंगे। मैं रिपीट कर दूँ, चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है। 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 के अंदर उसने बेस बनाई है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर 4 से लेके 8 तक मैक्सिमम पेपर यहाँ से सेट होता है। पहले 3 को अलग कर दें, आखिर 2 को अलग कर दें। तो आपने 4, 5, 6, 7, 8 समझना सबसे पहले जब आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे। देन आपको 2 करना है, 3 करना है, फिर 1 करना है, और एंड के ऊपर 10 करना है और 9 करना है। अब अगेन 4, 5, 6, 7, 8 को आप किसी भी सीक्वेंस में कर लें, ये आपके ऊपर। आप चाहते हैं 6 पहले कर लूँ, 8 बाद में कर लूँ, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है। मगर कोशिश ये करनी है कि 4 को सबसे एंड पे करें। अगर 4 को बीच में स्टार्ट करेंगे या शुरू में स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। तो आई विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट विद दिस। द कोर्स कम्स टू एन एंड, और इसमें कोशिश यही की गई थी कि आपको सारी बातें क्विक टाइम के अंदर एक प्रॉपर वे में गाइड कर दी जाएँ, बता दी जाएँ, ताकि कोर्स भी आपके पास रहे और आप अपने पेपर के अंदर सही से एक अच्छी वे में एक अच्छे लेवल के ऊपर जाके एक सही वाली परफॉर्मेंस दे सकें और इस पेपर को पास कर सकें। तो अब अगेन जो भी सवाल हों आफ्टर द रीडिंग, जब भी हों, ग्रुप खुला होगा, आप आएँ, ग्रुप में सवाल पूछें। चाहते हैं पर्सनल तो पर्सनल पूछ लें, मगर पूछें। किताब की रीडिंग इस पेपर को पास करने के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आपकी रीडिंग की स्किल डेवलप हो चुकी है तो आपको ये पेपर, चाहे PRC 3 हो, PRC 5 हो, कोई भी हो, थ्योरी का कोई भी पेपर हो, अगर रीडिंग अच्छी है तो आप उस पेपर को अच्छे से निकाल सकते हैं। अब अगेन आई होप, आई विश कि आप सबका 100% रिजल्ट आए। आपसे चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।